आइए दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चंपारण का मशहूर आहुना हांडी मटन। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा मसाला, ये मैंने 4 पॉट ले लिए हैं लहसुन के, और ये हमारा 50 ग्राम आदि, और ये मैंने थोड़े बहुत जीरे ले लिए हैं और थोड़े बहुत गोलकी। ग्राइंड करेंगे जार में। यह हो चुका है, ये हो चुका है, और ये रेडी है हमारा मसाला। और यहाँ पर हम आप देख सकते हैं, ये हमारा 1/2 kg कटा हुआ प्याज, और ये जीरा, गोलकी, लहसुन और आदि का पेस्ट है, अदरक का, और ये हमारा गोलकी है, और ये हमारा 3 लाल मिर्च है, बार बोल रहा बता, दालचीनी, लौंग, सूखा पाउडर मिर्च का, लाल मिर्च का, और ये हल्दी का पाउडर, और ये धनिया पाउडर मिक्स हो गया। अब हम टमाटर डालेंगे, ये 3 बारीक कटे हुए टमाटर हैं। मम्मी ताता ने ताता थे को। और यहाँ पर हमारा 100 ग्राम तेल है, बस नमक। और यहाँ पर हमारा स्वाद अनुसार नमक आ गया है। बोलिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मिक्स हो चुका है, और अब हम इसमें मटन के टुकड़े डालेंगे। ये रहा हमारा मटन का टुकड़ा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी तरह से मटन मिक्स हो चुका है, अच्छे से इसको मिक्स कर लें। कितना? और यहाँ पर हमारा सरसों का तेल हांडी में आ चुका है। सब डाल दे। और यहाँ पर अब हम हांडी में डालने जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं हम सारा मटन हांडी में डाल लिए हैं। अब हम इसको आग पर चढ़ाएंगे। हटाओ उसको। देख लीजिए, अब हम इसको आटे से पैक कर दिए हैं। गिर लो आटा गिर लो।
इसको मीडियम आंच पे 40 मिनट तक हम पकाएंगे। अब मैं आपसे मिलता हूँ 40 मिनट बाद, तब तक के लिए बने रहिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 40 मिनट होने जा रहा है और अब मैं इसे निकाल रहा हूँ। देखने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, अब मैं इसे आपको टेस्ट करके बताता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाकर ऑल पर सेट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।